बात करते हैं रीवा की, जहां इन दिनों सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है, जिस कारण से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रीवा जिले की हनुमना तहसील अंतर्गत दुबिया धाम से हजारों की संख्या में शिव भक्तों के द्वारा जल भरकर अंचल की भारी जन आस्था का प्रतीक मड़फहा धाम शाहपुर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया है। आपको बता दें कि राम सुमन कुशवाहा और विजय कुशवाहा के द्वारा विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी 15 किलोमीटर की पैदल कांवर यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ को हजारों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर जल अर्पित किया गया है। इस दौरान कांवरियों के लिए जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था ग्रामीणों के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें से बैरिहा गांव में कांवरियों के लिए कन्हैयालाल शुक्ला के द्वारा जलपान की व्यवस्था करवाई गई एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी कई जगह कांवरियों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। वहीं गत वर्षों की भांति कांवर यात्रा में मऊगंज के पूर्व विधायक सुकेन्द्र सिंह बन्ना भी शामिल रहे। कांवरियों के द्वारा मड़फहा धाम में जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा गया कि रीवा जिले में जल्द से जल्द बारिश हो। बारिश न होने के कारण किसान हताश है, जिनकी खेती चौपट होने की कगार पर आ गई है। हालांकि पूर्व विधायक ने सभी को आश्वस्त किया है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से अच्छी बारिश होगी, अगर बारिश नहीं होती तो वह सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग सरकार से करेंगे। पूर्व विधायक की मौजूदगी में से कांवरियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। जैसा कि आप सबको मालूम हो, विगत वर्ष पिछले वर्ष भी चतुर्भुज भगवान से लेकर के मड़फहा तक हमारे विजय कुशवाहा, भरत सोनी, गिरजा गुप्ता, नरेंद्र तिवारी जी, सभी रिंकू सिंह जी, सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे महाजन के और आपके खटखरी के सभी साथियों द्वारा पिछली बार भी ये कांवर यात्रा लेकर के यहाँ तक आई गई थी और उसी कड़ी में आज भी यह कांवर यात्रा वहाँ से चल करके सभी साथियों ने इसको अच्छे तरीके से पूरा किया है। पिछली बार मैं भी पूरी तरह से पैदल आया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस इस वर्ष मैं इससे दूर रहा, अभी उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथियों का उत्साह है और दूर दूर से हमारे कई गांवों के साथी, इसमें बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहन साथी इसमें शरीक हो रहे हैं, आने वाले समय में मैं समझता हूं कि यह कांवर यात्रा एक बड़ा विशाल रूप लेगी। मैं यही भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ। क्या है कि हमने सदैव, जब मैं विधायक था तब भी या विधायक नहीं था तब भी, जब जब क्षेत्र में सूखा पड़ा है, सूखे की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं विधायक रहते एक बार सूखे का आंदोलन मैंने किया था, उस समय पूरा रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ था। और जो अभी परिस्थिति दिख रही है, जैसा कि बारिश का समय बहुत पहले हो चुका, अभी बारिश हुई नहीं है और चुनाव चल रही थी, सूचना लगी थी, अभी आम जनमानस भी, अधिकारी कर्मचारी और सरकारें भी सभी जो है तो इस चुनाव में सम्मिलित थे। और मैं समझता हूं कि 2-4-10 दिन देखने के बाद मैं पूरे ताकत से सूखे की लड़ाई लड़ने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं भगवान भोलेनाथ से अनुनय विनय करना चाहता हूं, इस पदयात्रा के माध्यम से, कांवर यात्रा के माध्यम से अनुनय विनय करना चाहता हूं कि इतनी बारिश विंध्य में हो कि हमारा किसान खुशहाल हो। और इसके बाद अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके लिए फिर देखेंगे। शिव शक्ति पथ कांवर यात्रा जी राम सुमन कुशवाहा जी के अगुवाई में दुबिया धाम से मड़फहा के लिए बोलबम का नारा लगाते हुए, बोलबम के मतलब भोले बाबा के, सावन के पहले सोमवार के दिन भोले बाबा को हम लोग जल चढ़ाने के लिए मड़फहा आए। और इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रयास हम लोगों का ये है भोलेनाथ से, और भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना है हमारी कि इस बार जो हम लोग जल चढ़ाए हैं उससे भोलेनाथ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करें, जिससे पूरे हमारे विश्व का कल्याण हो। पद कांवर पद यात्रा रखा गया है, दुबिया से खटखरी चल के मंडपहा पायपुर में जल समर्पित किया। सभी लोग कांवर यात्रियों लोग बड़े ढंग अच्छे से कांवर यात्रा मतलब पंकज जी के जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम पे। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगले वर्ष फिर पे कांवर चढ़ाया जाएगा और चलता रहेगा। ये तीसरी साल आपा है करीब पब्लिक कांवर यात्रा, लोग कम से कम 500 लगभग जनता कांवर जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम पे। और हमारे माननीय दादा फुके फिर बन्ना जी, भूतपूर्व विधायक जी, उनके द्वारा भी जल चढ़ाया गया, थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन यहाँ पर पहुँच गए बड़े अच्छे ढंग से। और आशा करता हूँ कि हर वर्ष जल चढ़ाया जाएगा और ऐसे
हमारे कांवर यात्रा लोग सभी लोग पाती लोग करते रहेंगे और पात देते रहेंगे।